जैसे डेटा हमें बताया ही नहीं जा रहा, जो 2017 में किया था, जो सिंध सूबा मेरे हिसाब से जिसकी आबादी 7 करोड़ से कम नहीं है, जो और मेरा अंदाज़ा वैलिड, में ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ, ये हवा से नंबर नहीं उठाया, ये नंबर हमने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है कि 2017 में हमारी 6.5 करोड़ के करीब आबादी थी, जो इन्होंने 4.70 करोड़ या 80 लाख के करीब की, और इस वक्त 7 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हमारी है। अगर वो प्रॉपरली ये डिजिटल सेंसस नहीं करेंगे तो हम इसको मुस्तरद करेंगे, और इसके लिए उन्हें सूबाई हुकूमतों के साथ और लोगों के साथ वफाक ने ये तआवुन करना पड़ेगा। इस वक्त हालत ये है कि जो शख्स अपना डेटा देता है उसको भी कॉपी नहीं देते उसकी, कि जी तुम्हारा ये डेटा हमने एंटर कर दिया है, ये हमें मंजूर नहीं है, वो डेटा उस शख्स को देना पड़ेगा, सूबाई हुकूमतों को वो सारा नंबर्स देने पड़ेंगे ताकि वो वेरीफाई कर सकें। हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे सूबे को कम गिना जाए और फिर इसका फ़ायदा जो हमें मिलना चाहिए रिसोर्सेज की मद में, असेंबलियों में सीटों की मद में, वो हमें ना मिले। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि सेंसस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो भी हर गांव में जाके लोगों को बताएं, हर गांव में जैसे मैंने कहा कि पढ़ा लिखा नौजवान मौजूद है, उसके पास ये आपकी स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, वो सेल्फ इन्यूमरेशन भी करें, और ये डिजिटल सेंसस वाले हैं वो उनसे इंश्योर करें कि वो सही डेटा डाल रहे हों, और हुकूमत सिंध पूरा इस पे नज़रदारी रखे हुए, और कहीं कोई कोताही हमें नज़र आई तो जैसे मैंने कहा कि हम मुस्तरद कर देंगे सेंसस को, जैसे कि 2017 में भी सूबा सिंध ने इसको मुस्तरद किया था, और हमारी इंसिस्टेंस पर ही कहा था कि जी दोबारा, उन्होंने कहा कि चले ठीक है आप नहीं मानते तो हम दोबारा जल्दी, वैसे 10 साल बाद होता है, 2027 में होना था, अभी सेंसस करा रहे हैं, लेकिन मुझे अब ज़्यादा सियासी बात हो जाएगी, एक तरफ सेंसस हो रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन भी हो रहे हैं, वो पुराने सेंसस पे हो रहे हैं, कुछ नए सेंसस पे होगा, हम पता नहीं सब एक तरफ क्यों नहीं जाते, पहले सेंसस करा लें प्रॉपर तरीके से और फिर इलेक्शन करा लें। मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप इधर आए, इंशाल्लाह ताला आपकी जो हिदायत है ना सिर्फ एग्रीकल्चर के हवाले से, जो घर बना के देने हैं उसमें भी अच्छी पेशरफ्त हुई और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा इरिगेशन नेटवर्क है, हमारा रोड नेटवर्क है, हमारी मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।